अगर आप मामले को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, एक नाम ले रहा हूँ, जिस प्रकार से यूकेएसएससी एक आयोग है, यूकेपीएससी है, इसी प्रकार से एक बोर्ड बनाया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। अब इन्होंने चिकित्सा अधिकारी आयुष एवं यूनानी जो चिकित्सा अधिकारी है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, इसके लिए इस बोर्ड ने पद निकाले और परीक्षाएं करवाई, नियुक्तियां कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री धामी के पास है और इसमें धामी जी की धूम देखिए किस प्रकार से चल रही है। जब यह परीक्षा होती है, इस परीक्षा में एक परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। इसमें लिखित परीक्षा केवल और केवल सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि बच्चों को छटनी करके इंटरव्यू में भेजेंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होंगे, जिसका कि मैं पूर्व में भी पहली कई बार इसका विरोध कर चुका हूं कि कोई भी बड़ी भर्ती हो उसका जो सिलेक्शन केवल और केवल साक्षात्कार के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। उसमें आपको रिटर्न और साक्षात्कार दोनों को मिलाकर उसकी मेरिट बननी चाहिए, परंतु इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कुछ बच्चों को बच्चों की छटनी की जा सके, और छटनी भी ऐसी नहीं, मैं जो चीज़ें आपको दिखाऊंगा आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसमें 100 नंबर का एक रिटर्न होता है, उस रिटर्न में ये अगर जूम करके दिखा सकते हो तो आप इसको दिखा दीजिए। उस रिटर्न में ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ऊपर से नीचे तक देखिए 89.25, 87.25, ये सारे बच्चे 100 में से इतने इतने नंबर लेकर आते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ चुनिंदा नाम मैं ले रहा हूँ। ये 89 से लेकर 65 तक मैंने नाम लिए हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है और 100 में से 89 से लेकर अपने अनुसार क्षमता के अनुसार उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। अब गजब की बात यह है कि ये रिटर्न में इतने इतने नंबर ले आए हैं, इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने अच्छे से डिग्री करी होगी, इसलिए ये काबिल बच्चे हैं और रिटर्न में 100 में से ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। गजब की बात यह है कि ये पूरा जो है ये नॉट सेलेक्टेड मतलब हमारे द्वारा एक लिस्ट बनाई गई उनके नंबरों के आधार पर, अंतिम चयन में इनका किसी का भी नाम नहीं है। 100 में से 89 नंबर लाने वाले, 87 नंबर लाने वाले, 85 नंबर लाने वाले आज नियुक्त नहीं होंगे। नियुक्त इसलिए नहीं होंगे कि क्योंकि जो इनके मानक रखे हुए हैं और जो अंतिम चयन जो होना है वो साक्षात्कार के आधार पर होना है, साक्षात्कार में इन्हें नंबर नहीं दिया गया क्योंकि मेहनती युवा है। अब मैं दूसरी लिस्ट जब दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले और जमीन खिसक जाएगी। आप यहां देखिए, इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं, ये देखिए पहला जो नंबर है उसमें 4.50 नंबर 100 में से रिटर्न में है, दूसरे के 6.75 नंबर हैं 100 में से, तीसरी जो है 13.25 नंबर है, तीसरी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने अपने उसमें जो विवेचना करी, जब जांच पड़ताल करी, तीसरा जो नाम निकल कर आया वो एक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की ये लड़की है। 100 में से 13.25 नंबर आए हैं, क्या इन जैसे लोगों को अंदर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? अब इधर हमने देखा है क्या लिखा हुआ, इधर ये सारे सेलेक्टेड है, ये सारे आज फाइनल मेरिट में सेलेक्टेड हैं। अब आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इनको देख लीजिए कि रिटर्न में जो बच्चे अच्छी तरह मेहनत करके 6 नंबर ले आए हैं वो आज बाहर बैठे हैं, पर 100 में से जो 4, 5, 6 नंबर ले आए हैं ऐसे कई नाम हैं, ये आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं और 5400 ग्रेड पे की नौकरी पर बैठेंगे। इससे पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, साफ साफ पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, और जिस विभाग की यह भर्ती है मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है, बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसका रिजल्ट निकला, जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन इन युवाओं ने, यह मुख्यमंत्री के नाम का लेटर है, मुख्यमंत्री को यह लेटर दिया था कि इसमें यह घोटाला हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था, जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे विभाग का मामला है, संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जाए, परंतु संरक्षण अगर ऊपर से मिल रहा हो, अगर मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहा हो कि जो ये हुआ है सही हुआ होने दो, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? ये लेटर उसका जीता जाता उदाहरण है, जब रिजल्ट निकलने के बाद मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिटर्न के मैंने बता दिया कि जिनके 4, 5 नंबर है, 6 नंबर है, उनका सिलेक्शन 5400 ग्रेड पर होगा, पर जिनके 80 से ऊपर के नंबर है वो आज सिलेक्शन से बाहर है, वो अपने घर बैठ गए हैं। वो इसलिए भी हुआ है, रिटर्न का मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू की ओर मैं जाता हूं। इंटरव्यू में क्या हुआ कि 3 पैनल बिठाए जाते हैं, 3 पैनलों में 3-3 व्यक्ति बिठाए जाते हैं जिनकी संख्या कुल 9 हो जाती है। इंटरव्यू में कुल 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होना है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं उस फाइनल सिलेक्शन के इंटरव्यू में जो पैनल बनाए जाते हैं उसमें एलोपैथिक का एक व्यक्ति बिठाया जाता है, आपने प्रोफेसर कह लो या एक्सपर्ट कह लो जो भी है, इंटरव्यू पैनल में एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जाता है, एक आयुर्वेद का व्यक्ति बिठाया जाता है, 2 आयुर्वेद के व्यक्ति बिठाए जाते हैं, ये 3 हो गए। जबकि एलोपैथिक का कोई काम नहीं था उसे इंटरव्यू में क्यों बिठाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है, जो एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जा रहा है उसके हाथ में 24 नंबर है, जो 2 आयुर्वेदिक के व्यक्ति है उनके हाथ में 18 नंबर, तब जाके 60 नंबर बन रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरव्यू को पैनल में बिठाया जाना नहीं था उसके हाथ में 24 नंबर दे दिए हैं। 2 पैनलों में यह होता है, परंतु गजब की बात यह है कि तीसरे पैनल पर जब हम जाएंगे तो वहां पर नॉन मेडिकल का एक बंदा बिठाया जाता है 2 आयुर्वेद वालों के साथ, नॉन मेडिकल वाले के हाथ में 24 नंबर होते हैं। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक स्तर पर हुआ है और भ्रष्टाचार अपने लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नॉन मेडिकल का जो वहां पर पैनलिस्ट है उसके हाथ में 24 नंबर देकर आपने क्या आप दिखाना चाहते हैं। ये सारी बातें जब हो जाती है, गजब तब हो जाता है जब मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, मेरिट आपने देख ली होगी, मेरिट तो जो मैंने बताया 4 नंबर से शुरू हो रही है, 100 में से एक मानक होना चाहिए था, अगर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन कर रहे हो होना चाहिए था, परंतु गजब अब हो जाएगा। ये कोई स्वरचित